हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल बोर्ड से संबंधित जो भी नया अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक लाने का प्रयास करूँ। दोस्तों, मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट है वो तो दिखाऊँगा ही, और उससे पहले कुछ थोड़ी देर पहले के अपडेट हैं वो मैं आपको दिखा दूं। नीतीश जी भट्ट हैं, उन्होंने सर से क्वेश्चन किया, श्रीमान जी बस इतना बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने स्वीकृति खारिज कर दी क्या? तो उन्होंने लिखा है नहीं, यानी कि इलेक्शन कमेटी ने जो प्रपोजल भेजा गया था वो खारिज नहीं किया है। ज़्यादातर साथियों के यही क्वेश्चन है आरजी गुप्ता साहब से कि सर इलेक्शन कमेटी ने क्या जवाब दिया और कितना समय लगेगा। बार बार यही क्वेश्चन आरजी गुप्ता साहब से कर रहे हैं, लेकिन आरजी गुप्ता साहब का मानना है कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर हो, स्टेनो हो या सीए हो। और इसके बाद में एक और अपडेट है, संदीप सिंह जी ने इन्होंने आरजी गुप्ता साहब के ट्विटर अकाउंट पर लिखा, प्लीज़ सर रिप्लाई। शायद इन्होंने पहले भी इनको सर को ट्वीट किया होगा तो जवाब नहीं दिया, तो वापस इन्होंने उसी को रीट्वीट किया और ऊपर लिखा प्लीज़ सर रिप्लाई। सर, इलेक्शन कमेटी से अभी तक परमिशन नहीं मिली, लेकिन सर रिजेक्ट तो नहीं हुई ना फाइल, इतना बता दो बस। एक न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आई है इस रिगार्डिंग, कि न्यूज़ आई है कि इलेक्शन कमेटी ने इसको खारिज कर दिया जो प्रपोजल भेजा गया था स्वीकृति के लिए। तो इस पर आरजी गुप्ता साहब ने लिखा है, इलेक्शन कमेटी डज़ नॉट रिजेक्ट सच नॉन पॉलिटिकल प्रपोजल्स। इलेक्शन कमेटी जो है वो इस प्रकार के जो प्रपोजल होते हैं उन्हें मतलब रिजेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल प्रपोजल माने जाते हैं, यानी कि गैर राजनीति प्रपोजल हैं, तो इसको इलेक्शन कमेटी कभी भी रिजेक्ट नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। एक पवन जी जांगिड़ हैं, उन्होंने अभी सर से उनके जो ट्विटर अकाउंट है उस पर ट्वीट किया और लिखा, गुप्ता जी आप बोल रहे थे कि ये परीक्षा ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ हुई है, अभी 6 अभ्यर्थी ही सामने आए हैं, अगर 2433 अभ्यर्थी की जांच हो तो कितने फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी समय से आ रही है, पुरानी न्यूज़ है, इसको इसकी कटिंग को उन्होंने क्लिक कर ट्वीट किया है पवन जी जांगिड़ ने। इन्होंने पूछा कि सर 6 अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आए थे तो बायोमेट्रिक हुआ था, तो उनके फिंगरप्रिंट और फोटो मैच नहीं हुई थी, यानी कि एग्ज़ाम किसी और ने दिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई और जो थे कैंडिडेट वो आए थे, तो पकड़े जा चुके हैं, जिन पर FIR दर्ज हो चुकी है। और ये आरजी गुप्ता साहब ने पहले भी इस पर जवाब दिया था और इस पर अपनी वीडियो भी पहले बना चुके हैं कि ये जो 6 जो कैंडिडेट थे उनके एग्ज़ाम किसी और ने दिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और कैंडिडेट आए थे। तो इसी के जवाब में आरजी गुप्ता साहब ने लिखा है, ये दोस्तों बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है, 6:20, आप देख सकते हैं नीचे इसमें टाइम दिया हुआ है और तारीख दी हुई है 19 अक्टूबर। सर ने लिखा है इसमें, इफ़ देयर इज़ डिसहोनेस्टी इट कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, सूनर और लेटर इट विल एंड शुड कम आउट, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट एवरी पर्सन इन कंट्री इज होनेस्ट। उन्होंने कहा है दोस्तों कि अगर कहीं भी बेईमानी होती, इट कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, तो ये लंबे समय तक नहीं छुप सकती, अब या भविष्य में कभी ना कभी ये सामने आ जाएगी। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट एवरी पर्सन इन कंट्री इज होनेस्ट, मैं ये दावा नहीं करता कि इस देश में जो प्रत्येक व्यक्ति है वो ईमानदार है, तो ये आरजी गुप्ता साहब ने कहा है। आरजी गुप्ता साहब का ये मानना है कि जो अभ्यर्थी फर्जी थे वो पकड़े जा चुके हैं। तो इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और अगर दोस्तों चैनल अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू टू ऑल।